कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नवली 18 अध्याय 14 सरल अवकलन प्रश्न 22 e^2x log रूट x टेन एक्स का x के सापेक्ष क्या अवकलस ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इसके हल में मान लेते हैं। माना कि ये जो पूरा पद है वो y के बराबर है, y इक्वल टू e^2x log रूट x टेन एक्स, इसको अपन ने क्या कर लिया, मान लिया। अब हम में से सब जानते कि जो रूट एक्स है वह इक्वल टू e^2x log रूट एक्स है, इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते क्या 1/2 टेन एक्स। लाग के घातांकी नियम से ये 1/2 आगे आ जाएगा यानी लाग के आगे, तो हम इसको अगली स्टेप में इस 1/2 को इसके आगे लिखेंगे और ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 e^2x log x टेन एक्स। कहने का मतलब x के ऊपर से कर्णी चिन्ह क्या कर दिया, हट गया। अब हम बड़ी आसानी से x के ऊपर से कौन सा चिन्ह, कर्णी चिन्ह हट गया, अब हम बड़ी आसानी से इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मान आएगा dy/dx इक्वल टू, अब हमारे पास 1/2 है, पहले दो पदों को जो कहते e^2x log x का, तीसरे पद का डिफ्रेंसिएशन d by dx 10x प्लस सेकंड इसमें हम log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे e^2x 10x इंटू d/dx किसका log x, और थर्ड इसमें हम e^x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे मतलब log x 10x ज्यों कहते हो d/dx किसका e^x का। अब आगे इसका हल देखें तो हमें इसका हल मिलेगा dy/dx 1/2 ब्रैकेट के बाहर e^2x log x 10x का sec स्क्वायर x प्लस log x का 1/x, तो हम उसको चाहे तो ऐसा लिख सकते e^2x by x 10x प्लस ये दोनों पद ज्यों के त्यों, और तीसरा पद भी हमको वैसा ही मिलेगा क्योंकि हम जानते हैं e^2x का डिफ्रेंसिएशन e^2x ही होगा। अब अगर ध्यान से देखें तो इन सारे पदों में आपको e^2x दिख रहा है, तो सारे पदों से आप e^2x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो dy/dx इक्वल टू क्या e^2x बाय 2 log x sec स्क्वायर x प्लस 10x बाय x 10x बाय x प्लस log x 10x। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।